नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। दिन की बड़ी सियासी खबरों को डीकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी, राकेश शुक्ला जी, प्रदीप सिंह जी और मुकेश केजरीवाल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। दिन की सबसे बड़ी खबर आज की उत्तर प्रदेश की 2 वीआईपी सीट्स जहां पर सस्पेंस आज खत्म होना है, इस खबर पर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रोड शो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी की ये तस्वीरें, मैनपुरी मतलब समाजवादी पार्टी का गढ़, मैनपुरी मतलब वो सीट जहां से यादव परिवार की बहू डिंपल यादव, जो अभी सिटिंग एमपी भी हैं, एक बार फिर से चुनाव मैदान में उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उन्हें बनाया है और उन्हीं के लिए प्रचार करते हुए, उन्हीं के सामने प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। जयवीर बीजेपी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार बनाए गए, उनके प्रचार के लिए कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में संभाली है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, बीजेपी की तरफ से कहा यही जा रहा है कि इस बार कोई किसी राजनीतिक दल या किसी परिवार का गढ़ नहीं है, इस बार सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी चलने वाली है। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी हुंकार बड़ी भर रही है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हम लेकर दिखाएंगे। ऐसे में बड़ी चुनौती है, मैनपुरी की सीट बनी हुई है, चाहे 2014 हो, 2019 हो, मोदी लहर में भी ये सीट समाजवादी पार्टी जीतती आई है। 2019 में मैनपुरी सीट से खुद मुलायम सिंह यादव जीते थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ, उसमें उनकी बहू डिंपल यादव इस सीट से सांसद बनी। अब एक बार फिर 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को ही यहां से उम्मीदवार बनाया है और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए, समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में कमल खिलाने के लिए जोर लगाते हुए योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के जो बाकी बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी मैनपुरी पहुंच चुके हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। गृहमंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से यहां तक कहा गया था कि आप यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर को जिता दीजिए और उसके बाद बड़ा आदमी जो है उनको वो पार्टी बना देंगे। तो मतलब अगर मैनपुरी से बीजेपी का सांसद बनता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है, तो फिर केंद्र में उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय, ये संकेत, ये संदेश बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। और अब मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की मुट्ठी से ये सीट बीजेपी की तरफ लाने के लिए पूरी जोर लगाते हुए योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए मैनपुरी की सड़कों में, और उत्साह देखिए जरा, जबरदस्त भीड़ यहां पर नजर आ रही है। और इसी तरीके की वो कन्नौज सीट भी थी जिसकी पहचान भी इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर थी, लेकिन उस गढ़ में 2019 में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हुई और वहां से सुब्रत पाठक जीत गए थे, डिंपल यादव को ही उन्होंने मात दी थी। और अब मैनपुरी की ये तस्वीरें जहां पर इस बार पूरा जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।